हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीटी बुक का ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट साइन रेज टू एट एक्स प्लस कॉस रेज टू एट एक्स इक्वल टू 17/32। मतलब एक्स की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइन रेज टू एट एक्स को लिख रहा हूँ साइन रेज टू 4x होल स्क्वायर। यस, लिख सकते हैं सेम कॉस के साथ भी, कॉस रेज टू 4x होल स्क्वायर और साथ में प्लस 2 साइन रेज टू 4x कॉस रेज टू 4x माइनस 2 साइन रेज टू 4x कॉस रेज टू 4x भी कर रहे हैं 17/32 एज इट इज। देखो स्टार्टिंग की जो तीन टर्म्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। ओके, तो ये बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x होल स्क्वायर माइनस 2 साइन रेज टू 4x कॉस रेज टू 4x इक्वल टू 17/32। ठीक है, अब जो साइन रेज टू 8 कॉस रेज टू 8 के साथ किया वही सेम टू सेम साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4 के साथ करने वाले हैं। मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहा हूँ, साइन रेज टू 4 को लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, कॉस रेज टू 4 को लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये सब ब्रैकेट के अंदर चल रहा है होल स्क्वायर एज इट इज। ओके, साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब एज इट इज, माइनस 2 साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4 इक्वल टू 17/32। ओके, अगेन स्टार्टिंग की तीन टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। और फोर्थ टर्म एज इट इज माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन रेज टू 4x कॉस रेज टू 4x इक्वल टू 17/32। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन रेज टू 4x कॉस रेज टू 4x इक्वल टू 17/32। ब्रैकेट ओपन करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बाकी एज इट इज। ठीक, सो यहाँ पे 4 साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4, इधर माइनस 2 साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4, तो ये प्लस का 2 बचेगा 1 प्लस 2 साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4 एंड माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 17/32। 1 एंड 17/32 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो 17/32 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। और अच्छा ठीक है, सिंप्लीफाई बाद में करते हैं, पहले क्या करते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, इधर पावर 4 इधर पावर 2, तो यहाँ पे मैं साइन 2x बना सकता हूँ ना इसको। ओके, सो 17/32 लेके आते हैं एक बार, 1 माइनस 17/32। ठीक है, इसका गेम हो गया, फिर प्लस 2 प्लस 2 साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4। ओके, साइन एक्स कॉस एक्स होल रेज टू 4 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, फिर माइनस 4 एज इट इज़। ओके, माइनस 4 एज इट इज़, फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ डिवाइड भी कर रहा हूँ, इक्वल टू 0 है, 17/32 तो इधर आ गया, 32 माइनस 17 इज 15/32, सो ये बन रहा 15/32 प्लस 2, 2 रेज टू 4 16, डिनोमिनेटर वाला 2 बार आया, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x, यानी कि ये बनेगा साइन रेज टू 4 ऑफ 2x, समझे बात को, साइन रेज टू 4 है ना, ये अंदर वाला बन रहा है साइन 2x, पावर 4 है इसलिए साइन रेज टू 4 2x माइनस 4 अपॉन 2 रेज टू 2 बार आया और अंदर साइन 2x होल स्क्वायर हो रहा है उसका, तो साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। ओके,
अब मैं 32 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि डिनोमिनेटर चला जाएगा। सो ये बन रहा 15 प्लस, इधर 32 से मल्टीप्लाई किया तो 32 अपॉन 16 2, यानी कि ये बना 4 sin^4 2x। इधर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 32 और कितना, क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, sin^2 2x = 0। ओके, यानी कि 4 sin^4 2x -32 sin^2 2x +15 = 0। फैक्टर बन सकते परफेक्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है sin^2 2x में। ओके, sin^2 2x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करें, 15 × 4 = 60। तो -32 को कैसे ब्रेक करें कि मल्टीप्लीकेशन 60 होगा, -30 -2 में, राइट। सो 4 sin^4 2x -30 sin^2 2x -2 sin^2 2x +15 = 0। स्टार्टिंग की दो टर्म से 2 sin^2 2x कॉमन आया, सो ये बनेगा 2 sin^2 2x, क्योंकि यहाँ पे sin^4 है। 2 sin^2 2x माइनस 2 कॉमन आ गया तो 15, यहाँ से माइनस कॉमन आया तो 2 sin^2 2x -15 = 0। 2 sin^2 2x -1, एक तो ये फैक्टर है, दूसरा 2 sin^2 2x -15 = 0। सो 2 sin^2 2x से इससे क्या आएगा रिजल्ट, sin^2 2x = 1/2, और इससे रिजल्ट आएगा sin^2 2x = 15/2। ये तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 15/2 तो 7.5 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या, sin^2 2x = 1/2। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, sin^2 2x = 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि sin^2 2x = 1/√2 इज sin π/4। सो दिस इज sin^2 π/4। ये अपने पास ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आई है, यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हमें पता है ना sin^2 x = sin^2 α है, तो x = n π ± α होगा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे x की जगह 2x है और अल्फा की जगह π/4 है, सो ये आएगा 2x = n π ± π/4, यानी कि x = n π/2 ± π/8, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर है, एक्स का वैल्यू तो फाइंड करना था अपने को, n π/2 ± π/8, ऑप्शन सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इफ a = 9, b = 8, c = x विच सेटिस्फाई 3 cos c = 2, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, कॉस सी, कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग कॉस सी इक्वल टू a² + b² - c² / 2ab, ये होता है यस। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना, मतलब सी का वैल्यू फाइंड करना, और बाकी सब कुछ गिवन है। कॉस सी इक्वल टू 2/3, अगर 3 cos = 2 मीन्स cos = 2/3, 2/3 = a², a का वैल्यू 9 मतलब a² 81 प्लस b² 64 माइनस c² = x² अपॉन 2 × a 9 b 8, सो 9 × 8, ठीक। अच्छा, ये 9 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हुआ। ओके, सो इधर डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 2 × 3 × 8, यानी कि 48, यस 48, ये 48 लेफ्ट हैंड साइड में आया तो मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, और राइट हैंड साइड में 81 + 64 = 5 14 145 -x² लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस का, और 48 × 2 यानी कि 96 राइट हैंड साइड में गया तो माइनस का, 145 - 96। x² = 145 - 96 कितना, 45 + 4 = 49। x² = 49 मीन्स x = ±7, लेकिन -7 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स होती है जो कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए, सो x = +7, ऑप्शन ए।
सिंपल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इफ वन प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज, वन प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वन प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में कोसेक स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ओपन किया तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो बचा है टू कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो, मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई जीरो, वन बाई जीरो मतलब नॉट डिफाइन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू। ओके, ये है अपना ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, यहाँ से थीटा निकालना है, तो टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल सोल्यूशन होता है एन पाई प्लस अल्फा, टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा देन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जनरल सोल्यूशन है, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। ओके, लेकिन जब भी अल्फा की वैल्यू एक्सिस पे है, जैसे यहाँ पे अल्फा है पाई बाई टू जो कि वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, जब भी एक्सिस की वैल्यू आती है ना तो थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अल्फा यहाँ पे एक्सिस की वैल्यू के लिए कभी कभी ये जनरल सॉल्यूशन काम नहीं करता है। जैसे टेन थीटा इक्वल टू वन बाई जीरो है मतलब इनफाइनाइट है, यानी कि थीटा इक्वल टू यहाँ से पाई बाई टू आएगा, टेन थीटा इक्वल टू वन बाई जीरो मतलब मान सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट, और हमें पता है टेन थीटा इनफाइनाइट कब होता है, पाई बाई टू पे, पाई बाई टू बोले तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ओके इधर इनफाइनाइट, और टेन यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट होता है थ्री पाई बाई टू पे, ठीक है। जब n का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे ना तो ये बनेगा पाई प्लस पाई बाई टू यानी कि 3 पाई बाई टू, तो थीटा की वैल्यू जब 3 पाई बाई टू आ रही है तब तो माइनस इनफाइनाइट बन रहा है, यानी कि ये माइनस वन अपॉइंट जीरो हो रहा है, जबकि हमारे पास तो 1 अपॉइंट जीरो, यानी कि सिर्फ वाई एक्सिस पे ही वैल्यू आनी चाहिए, 3 पाई बाई टू वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव वाई एक्सिस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो सिर्फ वाई एक्सिस पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2n पाई प्लस पाई बाई टू करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे इसमें जनरल सॉल्यूशन। ओके, बाकी सब के लिए ठीक है, लेकिन जब अल्फा की वैल्यू एक्सिस की आती है ना तो वापस से क्रॉस चेक करने की जरूरत है। सो थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड है करने के, एक और मेथड डिस्कस करते हैं, वन प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हो, सपोज इनकी कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं उससे भी हो जाएगा, वन प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये बनेगा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, सिंप्लीफाई करने पे बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा से कैंसिल होगा तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन, ठीक, वन बाई रूट टू से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बनेगा वन बाई रूट टू साइन थीटा प्लस वन बाई रूट टू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, इस वन बाई रूट टू को मैं लिख रहा हूँ साइन पाई बाई फोर, इधर है साइन थीटा, ऐसा इसलिए क्योंकि एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, और इस वन बाई रूट टू को लिख रहा हूँ कॉस पाई बाई फोर, कॉस थीटा इज इट इज, इस वन बाई रूट टू को कॉस पाई बाई फोर, सो ये बन रहा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विच इज कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा या थीटा माइनस पाई बाई फोर कुछ भी ले, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस के अंदर थीटा और माइनस थीटा सेम ही रहता है, इक्वल टू कॉस पाई बाई फोर। अब ये कॉस का जनरल सॉल्यूशन चाहिए यहाँ पर, ओके कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू अगर कॉस अल्फा है तो एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, सो ये बनेगा थीटा माइनस पाई बाई फोर, देखो एक्स की जगह पाई बाई फोर है, थीटा माइनस पाई बाई फोर है और अल्फा की जगह पाई बाई फोर, वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर, ठीक, जब हम प्लस लेंगे तो ये बनेगा थीटा इक्वल टू टू एन पाई, इधर आया प्लस पाई बाई फोर,
और ये जो माइनस वाला था वो राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का हो गया। पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर कितना, पाई बाई टू। सो यहाँ से मिल रहा है थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। ओके, जब माइनस लेंगे तो थीटा माइनस पाई बाई फोर। अच्छा ये आपको तो समझ आया होगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है, कोई स्टेप फॉलो नहीं किए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वापस कर देते इसको, हो सकता कोई दिक्कत हो। यहाँ पे चल क्या रहा है, पाई माइनस पाई थीटा माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू टू एन पाई प्लस ले रहा हूँ तो ये प्लस पाई बाई फोर। सो ये पाई बाई फोर राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर पाई बाई टू हो जाएगी, ये मिलेगा। ठीक, अगर माइनस लेंगे तो ये बनेगा थीटा माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू टू एन पाई माइनस पाई बाई फोर। इधर भी माइनस पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर, तो थीटा इक्वल टू टू एन पाई आ रहा है। टू एन पाई मतलब पाई का इवन मल्टीपल, टू पाई फोर पाई सिक्स पाई, और उस पे कोट और कोसेक दोनों डिफाइन नहीं है। आप देखो ना, कोट पाई का कोट टू पाई का वैल्यू नॉट डिफाइन, कोसेक टू पाई का वैल्यू नॉट डिफाइन, वन बाई जीरो आता है, इसलिए ये एलिमिनेट करेंगे। आंसर क्या रहेगा, टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। वैसे ये ऑप्शन में भी नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि डिफाइन नहीं है ना कोट एंड कोसेक, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर द इक्वेशन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स प्लस पाई इक्वल टू जीरो द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज। ठीक है, इक्वेशन है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो। कॉस इनवर्स की वैल्यू होती है, मतलब इसकी रेंज होती है जीरो टू पाई, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव कभी आती नहीं वैल्यू। सो ये पॉजिटिव और उसमें प्लस पाई हो रहा है, इक्वल टू जीरो कभी हो ही नहीं सकता है। मतलब जस्ट ऑब्जर्वेशन से बता सकते कि इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि ये जीरो टू पाई, जीरो टू पाई, अगेन इसमें प्लस पाई हो रहा है तो कभी जीरो आएगा ही नहीं। बट पूरा सॉल्व करके देखते हैं, है ना। कॉस इनवर्स एक्स एंड पाई दोनों राइट हैंड साइड में गए, ये बनेगा कॉस इनवर्स टू एक्स इज इक्वल टू माइनस, दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों ही माइनस के हो गए, माइनस ऑफ पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि टू एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस के अंदर माइनस होता है तो कॉस को फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस एलिमिनेट कर सकते हैं। टू एक्स इक्वल टू कॉस पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स, टू एक्स इक्वल टू कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में आ जाएगा ना, पाई प्लस होती थर्ड क्वार्टर में। सो ये होगा माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, टू एक्स इक्वल टू कॉस से कॉस इनवर्स गया तो इधर बना माइनस एक्स, एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आया तो प्लस का, यानी कि ये थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से तो लग रहा है एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा ऐसा क्यों हो सकता, मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक्स की वैल्यू आ रही है लेकिन वो इक्वेशन से सेटिस्फाई नहीं हो रही है? क्योंकि इसी इक्वेशन से ही तो हमने एक्स का वैल्यू फाइंड किया है, तो फिर ये इसमें सेटिस्फाई क्यों नहीं होती? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में जरूरी नहीं कि जो वैल्यू आ रही है वो सेटिस्फाई होगी होगी, बिकॉज ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि जो वैल्यू आ रही है वो सेटिस्फाई होगी। क्योंकि इस स्टेप से इस स्टेप में जब हम आए थे तो ये हुआ माइनस कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई प्लस था। अगर यहाँ पे पाई माइनस होता ना तो भी सेम रिजल्ट आता, अगर यहाँ पे थ्री पाई प्लस थ्री पाई माइनस होता तो भी सेम रिजल्ट होता। माइनस पाई प्लस माइनस पाई माइनस ये रिजल्ट होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे कॉस माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता या कॉस माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता या फिर यहाँ पे कॉस थ्री पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता या फिर यहाँ पे कॉस थ्री पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता या फिर यहाँ पे कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कुछ भी ये सब होते ना, और भी वैल्यूज आएगी, इनफाइनाइट इस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये सारी वैल्यू आती ना तो भी इस स्टेप से इस स्टेप में यही मिलता हमें,
ये जो कुछ भी होता ना यहाँ पे इस स्टेप में, तो भी ये नेक्स्ट स्टेप यही आने वाला था, क्योंकि कॉस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर दोनों में नेगेटिव होते हैं, इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि इसके बाद वैल्यू कुछ आ सकती है एक्स की जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। आई होप आपको समझ आया होगा ये पॉइंट कि एक्स इक्वल टू जीरो इसको क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा, हमें क्यों चेक करने की ज़रूरत पड़ रही। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉस ए अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी। ऑप्शन देखे समझ आ रहा है कि ये साइड्स के फॉर्म में, ओके, स्मॉल ए बी सी ट्राइंगल की साइड से एंड कैपिटल ए बी सी ट्राइंगल के एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड, जैसे ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शन देखे समझ आ रहा है ना कि इसको साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉस ए अपॉन ए कॉस बी अपॉन बी, ये एंगल एंड साइड दोनों में मिक्स है, लेकिन हमें सिर्फ साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्लियरली कोसाइन रूल लगेगा। ओके, कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, और ये डिनोमिनेटर में ए है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस कॉस बी इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, प्लस कॉस सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। अच्छा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में बी है तो बी मल्टीप्लाई हो गया, इधर डिनोमिनेटर में सी है तो सी मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अच्छा, डिनोमिनेटर में टू ए बी सी, तीनों टर्म में सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो न्यूमरेटर में बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और टू ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू, साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू, यानी कि थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन अंडर रूट थ्री बाई टू होगा, ये तो डायरेक्ट टेबल से बता सकते हैं ना, पाई बाई थ्री पे और किस पे, ऐसे और भी वैल्यूज आती है लेकिन ऑप्शन से भी यही पता चल रहा है पाई बाई थ्री, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ थ्री ए इक्वल टू बी प्लस सी देन द वैल्यू ऑफ कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू इज, ओके, हमें कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, हाफ एंगल है, कॉस एंड साइन में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें कॉस एंड साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले पता है, दिस इज कॉस बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू, कॉस सी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू। ओके, कॉस बी बाई टू इज अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस बी अपॉन ए सी एंड साइन बी बाई टू इज एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, ये भी रूट के अंदर ये भी रूट के अंदर, तो ऐसे होल रूट लगा सकता हूँ, इन टू अंडर रूट ऑफ कॉस सी बाई टू एस एस माइनस सी अपॉन ए बी एंड साइन सी बाई टू इज एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। ओके, डिनोमिनेटर 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 कैंसिल, इधर भी रूट इधर भी रूट, तो इन सबको एस ऐसे होल रूट में ले सकते हैं, ये क्या बनेगा एस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी इंटू एस एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी। यस, कुछ टर्म कैंसिल हो रही, कुछ फैक्टर नॉट टर्म, एस माइनस बी एस माइनस बी से कैंसिल, एस माइनस सी से कैंसिल, न्यूमरेटर में एस इंटू एस एस स्क्वायर है तो जब रूट के बाहर आएगा तो एस न्यूमरेटर में बचेगा, यस, न्यूमरेटर में बचा है एस, और डिनोमिनेटर में एस माइनस ए एस माइनस ए तो रूट से बाहर आएगा तो एस माइनस ए बचेगा। ओके, ये सिंप्लीफाई होके इतना सा बना। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है
थ्री ए इक्वल टू बी प्लस सी, ये गिवन है। अगर दोनों साइड ए ऐड करूंगा तो इधर हो जाएगा 4a और इधर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। डिनोमिनेटर में 2 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2a और राइट हैंड साइड में हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विच इज s, सो s इक्वल टू 2a मिला। यहाँ पे पुट करो s इक्वल टू 2a, 2a माइनस a, 2a माइनस a इज a, a से a कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आ रहा है 2। यस ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, स्मॉल ए इक्वल टू रूट 3, स्मॉल बी इक्वल टू 1 एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन बाकी के दोनों एंगल्स एंड साइड सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एंगल सी गिवन है, ए बी गिवन है, स्मॉल सी फाइंड करने के लिए कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, वैल्यू पुट करते हैं। कॉस सी यानी कि कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए अगर रूट 3 है तो ए स्क्वायर 3, बी बी 1 है तो बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 1 इंटू रूट 3 यानी कि रूट 3। ओके, कॉस 30 डिग्री इज अंडर रूट 3 बाई 2 इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 इधर मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट में तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना 3 इक्वल टू 4 माइनस सी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 मतलब 1, सी इक्वल टू 1, प्लस माइनस 1 है लेकिन माइनस एलिमिनेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सी साइड ऑफ ए ट्राइंगल है जो कि पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, सी इक्वल टू 1। अब एंगल ए एंगल बी फाइंड करने के लिए साइन रूल अप्लाई करेंगे। साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, तो साइन ए इज इक्वल टू ए इंटू साइन सी अपॉन सी, सो ये बनेगा साइन ए इक्वल टू ए कितना अंडर रूट 3, सी 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री अपॉन स्मॉल सी 1, साइन 30 डिग्री इज 1 बाई 2, सो ये बनेगा अंडर रूट 3 बाई 2, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2 मीन्स ए इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, एंगल सी क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ए हमने फाइंड कर लिया तो बी क्या मिलेगा, बी इक्वल टू आएगा क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल के एंगल है, सो तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होना चाहिए यानी कि बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी यानी कि 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी कितना 60 प्लस 30 90, सो 90 सबट्रैक्ट करेंगे यानी कि 90 डिग्री मतलब एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। 60 91 किस में, 60 91 किसी में नहीं है तो ऑप्शन डी करेक्ट है क्या? ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, उसमें क्या। नाइन्थ क्वेश्चन, इफ 10x इक्वल टू कॉस 2x माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 10x इक्वल टू कॉस 2x माइनस 1, कॉस 2x को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 एज इट इज। ओके, 10x इक्वल टू एलसीएम लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स तो ये बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 10x इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया माइनस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस 2 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। ओके, यहाँ से कैंसिल नहीं करना 10 से 10 को, अदरवाइज एक वैल्यू हम रिमूव कर देंगे, सो ये बनेगा 10x प्लस 2 टाइम्स 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अगर 10x यहाँ से कॉमन ले तो अंदर बनेगा 1 प्लस 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 10x एलसीएम लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स 1 के साथ
और प्लस टू टेन एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर में वन प्लस, होल डिनोमिनेटर में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स को जीरो में भेज सकते हैं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ से एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, तो जीरो में भेज सकते हैं इसको। बचा क्या, टेन एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दो फैक्टर है, या तो टेन एक्स इक्वल टू जीरो होगा या वन प्लस टेन एक्स इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू जीरो मिलता है और यहाँ से टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन। टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन मीन्स टेन एक्स इक्वल टू टेन थ्री पाई बाई फोर, एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, ऑप्शन बी करेक्ट, एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ये हो सकता है, आप डायरेक्टली ए बी सी डी ऑप्शन से जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इसमें पुट करके देखो कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, एक झटके में आंसर। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए ये मेथड ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट करके देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, और अगर प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन भी है। ओके, टेंथ क्वेश्चन, एस्टिमेट द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कॉस थ्री थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू वन बाई टू। ओके, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, ऑप्शन देखिए यही समझ आ रहा है, कॉस थ्री थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं, कॉस फाइव बाई थ्री। ओके, अगर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा है तो एक्स इक्वल टू कितना, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, देन एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सो यहाँ पे x की जगह है थ्री थीटा अपॉन टू एंड अल्फा की जगह पाई बाई थ्री, सो थ्री थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू, पहले टू से मल्टीप्लाई करते फिर थ्री से डिवाइड करते, तो फोर एन पाई अपॉन थ्री प्लस माइनस टू पाई अपॉन नाइन, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, टेन इनवर्स के अंदर कुछ ऐसा टेन थ्री थीटा जैसा फॉर्मूला दिख रहा मुझे, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी अभी इस टाइम पे शायद नहीं दिख रहा होगा, अगर मैं एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट करता हूँ तो क्या क्वेश्चन क्या बनेगा, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x की जगह a tan थीटा माइनस, x की जगह a tan थीटा पुट करेंगे तो क्यूब करने पे ये आएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में a a स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर से tan क्यूब कॉमन a क्यूब कॉमन, तो अंदर बनेगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर से भी ए क्यूब कॉमन, ए तो बार पहले से पड़ा है, अंदर से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो ए क्यूब कॉमन आया, इधर बनेगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, अंदर क्या बन रहा है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा विच इज टेन थ्री थीटा, राइट, टेन इनवर्स से टेन गया तो थ्री थीटा बचा। अब हमने एक्स को ए टेन थीटा कंसिडर किया है तो यहां से थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, राइट, सो थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब रूट वगैरह हटाना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हटाना है, तो वो कब पॉसिबल है, रेशनलाइजेशन से, ठीक है, लेकिन कोट के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है ना वो आपस में एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर है, न्यूमरेटर में अगर बीच में प्लस की जगह माइनस लगाएंगे तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा जो कि डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसका मतलब है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसी एक को रेशनलाइजिंग करेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा,
ठीक है, देखो कैसे, कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स। हम एक काम करते, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते, सिर्फ अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स, सेम टू सेम ऊपर आएगा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स। कॉट इनवर्स, डिनोमिनेटर में तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर तो समझ आ रहा है, वन माइनस साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स, और न्यूमरेटर में स्क्वायर होगा ए प्लस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन होगा। सो कॉट इनवर्स ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ से रूट हटेगा वन माइनस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से भी रूट हटेगा वन प्लस साइन एक्स प्लस टू ए बी, यानी कि अंडर रूट ऑफ टू अंडर रूट ऑफ ए, ए बोले तो वन माइनस साइन एक्स एंड बी वन प्लस साइन एक्स, सो दोनों पे ही रूट है तो ये कॉमन रूट लगा सकता हूँ, ठीक। डिनोमिनेटर में जब ये ब्रेकेट ओपन होगा तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स हो गया। ओके, कॉट इनवर्स साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स, ये है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर है वन माइनस साइन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में माइनस टू साइन एक्स। ओके, कॉट इनवर्स टू न्यूमरेटर से कॉमन आया, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस अपॉन माइनस साइन एक्स। ओके, टू तो कैंसिल हो गया कॉमन आके, अब बार कॉट इनवर्स है, इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को हटाना है, क्लियरली दिख रहा है, तो अंदर भी कॉट होना चाहिए, यानी कि अभी कॉट बनेगा कैसे जब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसके आगे का पार्ट में नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ। कॉट इनवर्स माइनस तो रह गई, वन प्लस कॉस एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, एंड डिनोमिनेटर में साइन एक्स इज टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, लिख सकते हैं सर, टू से टू कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो कॉट इनवर्स अंदर बन रहा माइनस कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, यानी कि कॉट एक्स बाई टू माइनस कॉट एक्स बाई टू। ओके, कॉट इनवर्स का रेंज होता है जीरो टू पाई, मतलब ये नेगेटिव नहीं आता, जिस तरह से साइन में अगर माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है, टेन में माइनस होता है तो बाहर आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आता। सो इसको क्या करेंगे, इस रेंज में लाने के लिए मैं कर रहा हूँ पाई माइनस, पाई माइनस करके माइनस हटा सकता हूँ, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। ओके, सो पाई माइनस कॉट इनवर्स से कॉट गया तो एक्स बाई टू बचा, पाई माइनस एक्स बाई टू, ये करेक्ट आंसर है, एक्स माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस एक्स बाई टू, यस ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया था, न्यूमरेटर को नहीं किया, लेकिन फिर भी यहां तक आते आते न्यूमरेटर से भी रूट हट गया। ओके, इस क्वेश्चन के लिए यहां पे न्यूमरेटर से भी रूट हट गया, मतलब किसी एक को रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ी, दूसरे को किया ही नहीं, तो ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यहां पे वन माइनस साइन वन प्लस साइन था तो मल्टीप्लाई करने पे ये वन माइनस साइन स्क्वायर बना, यानी कि कॉस स्क्वायर, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस, तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ कॉस इनवर्स वन बाई एक्स इक्वल टू थीटा देन व्हाट इज टेन थीटा,
कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, एक तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बना के कर सकते हो या फिर बेसिक आइडेंटिटीज से कर सकते हो। हम दोनों ही मेथड डिस्कस कर लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स है तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आई मीन कॉस स्क्वायर थीटा, सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल रूट। ओके, सो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये है साइन थीटा। कॉस थीटा इधर आ, साइन थीटा इधर आ, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 बाई एक्स। तो अपॉन एक्स दोनों का कैंसिल हो गया, बिकॉज कॉस में भी अपॉन एक्स है, साइन में भी अपॉन एक्स है, तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरह से आइडेंटिटी से कर सकते हैं, अदरवाइज ट्राइंगल बना के। कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा, मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स। सपोज ये थीटा है, ओके, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब बेस 1 है, हाइपोटेनियस एक्स है, तो परपेंडिकुलर कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन बेस, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यस, ऑप्शन ए करेक्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ वी कंसिडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, एक्सप्रेशन क्या है, टेन ऑफ कॉस इनवर्स 1 अपॉन फाइव रूट 2 माइनस साइन इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट 17। ओके, बाहर 10 है, अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, अगर अंदर 10 इनवर्स मिलेगा तो ये 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी। तो 10 इनवर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को 10 इनवर्स बनाते हैं, साइन इनवर्स को भी 10 इनवर्स बनाते हैं, ताकि 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा सकें। लॉजिक साफ है, इजी क्वेश्चन, क्या करना है, कॉस इनवर्स को 10 इनवर्स बनाना, साइन इनवर्स को भी 10 इनवर्स, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ। सो कॉस इनवर्स 1 अपॉन फाइव रूट 2, मान लेते थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 1 अपॉन फाइव रूट 2। अच्छा, कॉस थीटा तो मिल गया, 10 में जाने के लिए अभी साइन भी चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोले तो 1 अपॉन 50, ये 25 इंटू 2 कितना, 50 तो हुआ, विच इज अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन 50, अंडर रूट 49 7, अंडर रूट 50 5 रूट 2, 5 रूट 2 का स्क्वायर अगर 50 होता तो 50 का रूट 5 रूट 2 क्यों नहीं होता। यस, ओके, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, तो 10 थीटा इक्वल टू कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, तो साइन अपॉन कॉस कितना, 7 अपॉन 1, मतलब 7, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 7। अब देखो, ये भी थीटा और ये भी थीटा, इसका मतलब कॉस इनवर्स 1 अपॉन 5 रूट 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 7। यस, ये आ गया 10 इनवर्स 7। ओके, सो 10 ऑफ 10 इनवर्स 7 माइनस, अब साइन इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट 17 को भी सोल्व करना होगा, ठीक है, करते हैं, 4 अपॉन अंडर रूट 17, मान लेते थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, 4 अपॉन अंडर रूट 17, अभी 10 में जाने के लिए कॉस भी चाहिए, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 17 का 17, सो दिस इज 17 माइनस 16, यानी कि 1 अपॉन 17 रूट के अंदर। ओके, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 17, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 17, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 17, 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो साइन के डिनोमिनेटर में अंडर रूट 17, कॉस के डिनोमिनेटर में अंडर रूट 17, जब डिवाइड करेंगे तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 4 अपॉन 1, यानी कि 4, मतलब थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4।
अब ये भी थीटा, ये भी थीटा, इसका मतलब साइन इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट 17 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4, दिस इज 10 इनवर्स 4, ओके। अब हमें ये पता है 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, राइट। सो ये बनेगा 10 ऑफ 10 इनवर्स ए माइनस बी 7 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस ए बी 28, 7 इंटू 4 कितना 28, 10 से 10 इनवर्स चला गया, जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर विच इज 3 अपॉन 29, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 10 इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4, देन वॉट इज x, ओके। 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 10 इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4, x का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा हमें ये पता है ना 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b, दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बनेगा 10 इनवर्स a की जगह ये पूरा, b की जगह ये पूरा, सो 10 इनवर्स a प्लस b यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ए प्लस बी हो गया अपॉन 1 माइनस ए बी, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इक्वल टू पाई बाई 4। 10 इनवर्स राइट हैंड साइड जाएगा तो 10 बन जाएगा 10 पाई बाई 4, लेफ्ट हैंड साइड में ये सिंप्लीफाई होगा, ओके। न्यूमरेटर में दोनों टर्म में डिनोमिनेटर सेम है, x प्लस टू एक्स प्लस टू, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड होंगे x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू इज एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, ओके। 1 से 1 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बना 2x, 2x अपॉन x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में ये एलसीएम आ गया इधर, x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। अब हम क्या करें, इधर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ताकि ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में x प्लस 2 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में x प्लस 2 होल स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ओके। इसके आगे का पार्ट आगे कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में बनेगा 2x इंटू x प्लस 2, 2x इंटू x प्लस 2, 2x इंटू x प्लस 2 बोले तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, ओके। एक बार लिखते हैं, लिखते हैं आराम से करते हैं, 2x इंटू x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में x प्लस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये कितना हो रहा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, और डिनोमिनेटर में रखो या फिर इसको राइट हैंड साइड भेज सकते हैं, पता है राइट हैंड साइड में 1 है तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू में ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस, यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर इधर है 4x, अच्छा 4x से 4x भी कैंसिल, 4 प्लस 1 कितना 5, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 2, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2, ये x की वैल्यू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, इन ट्राइंगल एबीसी व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके। एक्सप्रेशन है यहां पे 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 1 बाई बी कॉस स्क्वायर बी बाई 2 प्लस 1 बाई सी
कॉस स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है। सो हाफ एंगल है, एस के फॉर्म में, ऑप्शन देख के समझ आ रहा है एस के फॉर्म में आंसर चाहिए, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। वन अपॉन ए कॉस स्क्वायर ए बाई टू, देखो कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, राइट। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एस एस माइनस ए अपॉन बी सी प्लस वन बाई बी इंटू कॉस बी बाई टू, एस अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस बी अपॉन ए सी, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। सेम यहाँ पे भी एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, ओके। तीनों टर्म के डिनोमिनेटर में ए बी सी है, सेम है, ये ए इधर बी के बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी सी, ये ए बी सी, ये ए बी सी, तो डिनोमिनेटर में तो ए बी सी है, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, एस एस माइनस ए, एस एस माइनस बी, एस एस माइनस सी, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तो एस कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा क्या, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, राइट। एस बार एस प्लस एस प्लस एस इज थ्री एस, माइनस कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी, और डिनोमिनेटर में ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी इज ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि 2s, सो s 3s माइनस 2s, और डिनोमिनेटर में ए बी सी, 3s माइनस 2s इज s, और एक s ऑलरेडी पड़ा है, सो s स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, मतलब x की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। अगर मैं इसको थीटा कंसिडर करता हूँ ना, तो ये बनता है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। हमें पता है साइन तो माइनस वन से वन में वेरी करता है, यानी कि एक्स भी माइनस वन से वन के बीच में जाएगा, इंक्लूडिंग माइनस वन एंड वन, यस, बिकॉज साइन थीटा वेरी फ्रॉम माइनस वन टू वन, और साइन थीटा एक्स के इक्वल है, इसका मतलब एक्स वेरी फ्रॉम वन टू वन, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इवेल्यूएट साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू माइनस थ्री साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू, ओके, साइन इनवर्स वन बाई रूट टू माइनस थ्री टाइम्स साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू। साइन इनवर्स वन बाई रूट टू इज पाई बाई फोर, माइनस थ्री टाइम्स साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू इज पाई बाई थ्री, सो पाई बाई फोर माइनस थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो माइनस पाई, पाई माइनस पाई बाई फोर होता है थ्री पाई बाई फोर, लेकिन ये पाई बाई फोर माइनस पाई है, इसका मतलब माइनस थ्री पाई बाई फोर, यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी, ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी, देन आइडेंटिफाई द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है आइडेंटिफाई करना है, ओके। साइन रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं। ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने के लिए या तो इसको एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करो या साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम साइड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके सोल्व कर रहे हैं, ओके। मतलब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा कुछ रिलेशन आएगा तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ए इक्वल टू बी है तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस है। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी प्रूव हो रहा है तो हम बोलेंगे इक्विलेटरल है। अगर ए बी सी तीनों ही अलग अलग है तो इसके लिए इस तरह से। सो साइन रूल क्या कहता है, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू सपोज के, ये साइन रूल है। मतलब ए अपॉन साइन ए करो या साइन ए अपॉन ए करो, एक ही बात है, बस रेशियो सेम होना चाहिए। सो यहाँ से साइन ए इक्वल टू क्या आएगा, क्या लग रहा है, साइन ए इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट को अगर देखूं मैं तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू, अगर के है तो साइन ए इक्वल टू कितना, के इंटू ए, वैसे ही साइन बी इक्वल टू कितना, के इंटू बी, एंड साइन सी कितना, के इंटू सी। वैल्यू पुट करते हैं इसमें क्या बनेगा, ये साइन ए की जगह के ए स्क्वायर किया तो के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी की जगह के स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर सी की जगह के स्क्वायर सी स्क्वायर,
लेफ्ट हैंड साइड से के स्क्वायर कॉमन आया, राइट हैंड साइड से कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन राइट एंगल्ड, ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा तरीका ये है, आप ए बी सी का कोई वैल्यू लेके देख सकते हो। अगर किसी एक एंगल को 90 डिग्री लेंगे और बाकी को अकॉर्डिंगली ट्राइंगल के एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। आइसोसेलेस लेने के लिए दो एंगल को सेम लो, बाकी जो बचा हुआ है। इक्विलेटरल के लिए तीनों को सेम लेना पड़ेगा, 60 60 60। इसके लिए इनके लिए तीनों को अलग लो, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है, उसमें टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। सो 10 कॉस इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3। ओके, कॉस इनवर्स 4/5 को अगर मैं 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, कॉस इनवर्स 4/5, नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ इसको। मान लेते ये थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? 10 फाइंड करने के लिए अभी साइन भी चाहिए, वो था अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोले तो 16/25, यानी कि 25 - 16 मतलब कितना आया? 3/5। यस, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। 10 थीटा इक्वल टू कितना? साइन अपॉन कॉस। ओके, सो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो अपॉन फाइव कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस आएगा 3/4। सो 10 थीटा इक्वल टू आएगा 3/4। सो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। अब ये भी थीटा, ये भी थीटा, इसका मतलब कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, 10 इनवर्स 3/4। सो 10 ऑफ 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। ओके, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का। वी नो दैट 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ए की जगह अपने पास 3/4 है, बी की जगह 2/3 है। 10 ऑफ 10 इनवर्स ए प्लस बी यानी कि 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस ए बी, 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, अब 10 इनवर्स से 10 चला गया तो अंदर जो कुछ भी है इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर है। सो इधर ये 3 इंटू 3 4 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 इंटू 3 12 डिनोमिनेटर में। यहाँ 3 से 3 कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ये बन रहा है 1 माइनस 6 अपॉन 12। ठीक है, यानी कि 12 माइनस 6 अपॉन 12, ये 6 अपॉन 12 बना, तो 12 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो होल डिनोमिनेटर में 12 आएगा। ओके, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये 12 से 12 कैंसिल होने वाला है। सो 9 प्लस 8 इज 17 एंड 12 माइनस 6 इज 6, 17 अपॉन 6 फाइनल आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, इन ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 एंड साइन ए इक्वल टू 2/3 देन बी इज इक्वल टू, ओके, एंगल बी का वैल्यू फाइंड करना है साइन रूल से। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। ए का वैल्यू क्वेश्चन में 2 गिवन है, साइन ए का वैल्यू 2/3 गिवन है, बी 3 गिवन है और कैपिटल बी हमें फाइंड करना है। इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 ऊपर आ गया, ये 3 ऊपर आ गया और साइन बी है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में आया तो 3 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, साइन बी इक्वल टू 1। साइन बी इक्वल टू 1 मीन्स बी इक्वल टू 90 डिग्री, ईजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी कॉस 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस कॉस 2b अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, कॉस 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस कॉस 2b अपॉन बी स्क्वायर।
एक काम करते, कॉस टू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए माइनस इधर वन माइनस टू साइन स्क्वायर बी इक्वल अपॉन बी स्क्वायर। ओके, वैसे इसको टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन भी लिख सकते थे, लेकिन कॉस में जनरली नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉस का फॉर्मूला बहुत बड़ा है। जैसे कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, यानी कि वहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा है, न्यूमरेटर में तीन तीन टर्म है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाता है। अगर साइन में करते तो ईजिली आंसर आ जाता, और किसी से भी करो फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर सेम ही आना है। तो हम वो मेथड करते हैं ना जिससे कि कैलकुलेशन टफ ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर है। ओके, तो ये क्या बना, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर साथ में, और यहाँ से माइनस टू कॉमन लिया, तो अंदर बन रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। ओके, अब देख सकते हो क्लियरली सही कर रहा हूँ, रॉन्ग नहीं कर रहा हूँ मैं। वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स। अच्छा, साइन रूल के अकॉर्डिंग, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। सो साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन बी अपॉन बी। मतलब अगर साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इधर सिंप्लीफाई करते हैं, इधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर की जगह में साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज। सो ये तो जीरो हो गया, मतलब ये पूरा टर्म चला जाएगा, तो बचेगा क्या, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू टू इज। ओके, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना थीटा के लिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो, साइन में क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट फैक्टर बन रहे इसके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो। साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो इधर आएगा साइन थीटा प्लस टू, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो साइन थीटा प्लस टू, यानी कि साइन थीटा माइनस वन साइन थीटा प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक हमें मिल रहा है साइन थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इक्वल टू वन, और दूसरा मिल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस टू। ये पॉसिबल नहीं, साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होती है। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन थीटा इक्वल टू वन मीन्स साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई टू। ओके, सो जनरल सॉल्यूशन होता है साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा अगर है तो एक्स इक्वल टू होगा एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन अल्फा, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सो यहाँ पे एक्स की जगह थीटा है, अल्फा की जगह पाई बाई टू है, सो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन पाई बाई टू, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए स्क्वायर साइन टू सी प्लस सी स्क्वायर साइन टू ए इज इक्वल टू, ए स्क्वायर साइन टू सी प्लस सी स्क्वायर साइन टू ए, ये किसके इक्वल है हमें फाइंड करना, और ऑप्शन एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्म में, ठीक है। ए स्क्वायर एज इट इज, साइन टू सी को क्या लिख सकते, टू साइन सी कॉस सी प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, साइन टू ए को क्या लिख सकते, टू साइन ए कॉस ए। ओके, अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल साइन के फॉर्म में, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन बाई टू साइन सी एंड साइन ए के फॉर्म में फाइंड करना ना, तो ये होगा ए बी साइन सी वन बाई टू बी सी साइन ए। एक ए सी साइन बी भी होता है, उसकी जरूरत नहीं,
तो यहाँ से साइन सी इक्वल टू आएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन ए बी, और साइन ए इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन बी सी। ठीक है, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो इन दोनों से साइन सी एंड साइन ए, वो वैल्यू निकाल के इधर पुट करना, 2 बार आ गया 2 ए स्क्वायर, साइन सी की जगह 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन ए बी, कॉस सी एज इट इज, प्लस 2 सी स्क्वायर, 2 बार आ गया साइन ए की जगह 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन बी सी इंटू कॉस ए एज इट इज। ठीक है, 2 इंटू 2 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ए से एक ए कैंसिल हुआ तो एक ए बचा है अपॉन बी इंटू कॉस सी, प्लस 2 इंटू 2 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक सी से एक सी कैंसिल हुआ तो ऊपर एक सी बचा और डिनोमिनेटर में बी इंटू कॉस ए। अच्छा क्या लग रहा, 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन बी, ये कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में, तो अंदर बचा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए इज बी स्मॉल बी प्रोजेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन बी इंटू बी, ये पूरा बी हो गया, तो बी से बी कैंसिल हो गया, क्या आंसर आएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इफ एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू देन साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू फाइंड करना अगर एक्स पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में। देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकते हैं अगर एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है तो, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होता है, ये बार साइन इनवर्स है अंदर चाहे कुछ भी हो बार साइन इनवर्स है, मतलब हम ये एक्सपेक्ट करें कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। सो अगर एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में तब तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, इसको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री पाई बाई टू, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई बाई टू, और x माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, पता है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस तो लगेगा ही तीनों में, लेकिन राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड आता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड जाता है। ठीक है, अगर मैं पाई ऐड करता हूँ सब जगह तो पाई माइनस थ्री पाई बाई टू लेस देन और इक्वल टू पाई माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई टू। ओके, पाई माइनस थ्री बाई पाई थ्री पाई बाई टू इज माइनस पाई बाई टू, लेस देन और इक्वल टू पाई माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू कितना पाई बाई टू, यस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में पाई माइनस एक्स है, अगर एक्स पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू है तो पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, यानी कि अगर एक्स की जगह हम पाई माइनस एक्स लिखते हैं ना तो अब इसको कैंसिल कर सकता हूँ बिकॉज पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 10 इज, ओके साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इधर ट्रिगोनोमेट्री डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि साइन के अंदर जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में नहीं है। देखो बार साइन इनवर्स है अंदर चाहे कुछ भी हो बार साइन इनवर्स है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आनी चाहिए बिकॉज साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। ओके, तो इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आनी चाहिए, इसलिए डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 10 है जो कि इस रेंज में नहीं है। अच्छा, इस रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, देखो 10 कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट देखने के लिए पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो मल्टीप्लाई होना ही चाहिए, 3 पाई का वैल्यू कितना 3 इंटू 3.14 तो ये आ रहा 9.42। ठीक है, फिर 3 पाई प्लस पाई बाई टू ये कितना 7 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू बोले तो 7 इंटू 3.14 अपॉन 2 यानी कि 21.98 अपॉन 2 मतलब 10.99 अप्रोक्सीमेट 11 10.99 आ रहा, 3 पाई का वैल्यू 9.42 3 पाई प्लस पाई बाई टू का वैल्यू 10.99 तो 10 इन दोनों के बीच में ही होगा। 3 पाई किधर होगा, नेगेटिव एक्स में,
जैसे ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो 3 पाई इधर हुआ, 3 पाई प्लस पाई बाई टू यहाँ पे, यानी कि ये जो 10 है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ओके, तो ये सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि 10 जो है वो 3 पाई से 3 पाई प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है। यस, अगर 3 पाई माइनस करेंगे सबसे तो ये होगा 0, इधर 10 माइनस 3 पाई और इधर पाई बाई टू। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये हो गया माइनस पाई बाई टू। ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई माइनस 10, और 0 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। सो 3 पाई माइनस 10, ये माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच में। यस, ऑब्वियसली 3 पाई कितना होता है, 9 पॉइंट समथिंग, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और इसको एसआई इसलिए बनाया हमने क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जा रहा है ना, ये एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए। 10 माइनस 3 पाई को यूज़ नहीं करेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा कि 10 माइनस 3 पाई किया तो ये 0 टू पाई बाई टू हो गया ना, इस रेंज में आ गया ना, लेकिन इसको 3 पाई माइनस 10 इसलिए करना पड़ा क्योंकि नेगेटिव लाना, हमें वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए बिकॉज ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है। समझे बात को? सो 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10। ओके, समझ आई होगी बात आपको, क्योंकि हमें ये अब साइन इनवर्स साइन से कैंसिल करना है, कर सकते हैं क्योंकि 3 पाई माइनस 10 माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच में, माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच में मतलब साइन इनवर्स की रेंज में है, तो हटा सकते हैं इसको, 3 पाई माइनस 10 ये आंसर है। ओके, वही देखो ना, अगर जैसे साइन कितना, साइन पाई बाई थ्री, इसको मैं साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री भी लिख सकता हूँ, इसको मैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई थ्री भी लिख सकता हूँ, इसको मैं साइन 3 पाई माइनस पाई बाई थ्री भी लिख सकता हूँ। मतलब एक एक्सप्रेशन को ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, वैसे इसको लिख सकते हैं ना साइन 10 को साइन 3 पाई माइनस 10। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, इफ कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 4 टाइम्स साइन स्क्वायर सी बाई टू, देन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन। ओके, स्मॉल ए बी सी की बात हो रही है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये किस में, ए जी पी में, ए पी में, ए जी पी में या एच पी में। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन स्क्वायर सी बाई टू। हमें स्मॉल ए बी सी में रिलेशन फाइंड करना है, इसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अच्छा, ये सिंप्लीफाई तब तक नहीं हो सकता जब तक एक टाइप के एंगल नहीं बनेंगे, जैसे राइट हैंड साइड में हाफ एंगल है, लेफ्ट हैंड साइड में फुल एंगल है, तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे होता है ना साइन थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते इसका, तब तक जब तक मैं साइन टू थीटा को 2 sin θ cos थीटा नहीं लिखता। ऐसा लिखने का सेंस क्या है कि एंगल सेम सेम रहेंगे ना तो सिंप्लीफाई होकर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है या कुछ नया फॉर्मूला बन सकता है। मतलब एंगल जब तक सेम सेम नहीं बनाएंगे तब तक आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में हाफ एंगल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं हाफ एंगल बना रहा हूँ। सो कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 cos A + B/2 कॉस ए माइनस बी बाई टू, राइट। इक्वल टू 4 टाइम्स साइन स्क्वायर सी बाई टू एज इट इज। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, बिकॉज ए बी सी ट्राइंगल के एंगल है, इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अपॉन टू करेंगे तो ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। ओके, सो ए प्लस बी बाई टू जो कॉस के अंदर ए प्लस बी बाई टू, उसकी जगह मैं पाई बाई टू माइनस सी बाई टू लिख सकता हूँ, और कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इज साइन सी बाई टू है कि नहीं, साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू एज इट इज, बाकी सब एज इट इज, साइन स्क्वायर सी बाई टू। ओके, साइन सी बाई टू से एक साइन सी बाई टू कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 2 cos A - B/2 और राइट हैंड साइड में 4 sin C/2। ये 4 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा तो फिर आगे सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। सपोज यहाँ पे कुछ भी
कांस्टेंट नहीं बचता ना, तो डायरेक्टली फिर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल था, कोस को साइन में बना सकते थे पाई बाई टू माइनस थीटा से। तो अगर ये फोर नहीं होता, फोर की जगह टू होता, तो नेक्स्ट स्टेप में ही आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे फोर है, इसलिए अभी हम क्या दिमाग लगाएंगे कि टू कोस ए माइनस बी बाई टू तो है। अगर मैं साइन ए प्लस बी बाई टू भी साथ में कर देता हूँ, साइन ए प्लस बी बाई टू लेफ्ट हैंड साइड में और साइन ए प्लस बी बाई टू राइट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में भी करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू जैसा फॉर्मूला बना, सी डी फॉर्मूला है कि नहीं। और ये क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि सी की जगह ए है अपने पास और डी की जगह बी है, तो साइन ए प्लस साइन बी। ओके, राइट हैंड साइड में अगेन ए प्लस बी बाई टू, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन ए प्लस बी बाई टू। देखो ए प्लस बी बाई टू की जगह पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ओके पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता कॉस थीटा, सो ये बनेगा कॉस सी बाई टू, ठीक है। और फोर को लिखा मैंने टू इंटू टू साइन सी बाई टू एज इट इज, और ये बन रहा है कॉस सी बाई टू। आप देख सकते हो अगर पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इधर पुट करूंगा तो ये कॉस सी बनेगा। अब ये बना टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, यानी कि साइन टू टाइम सी बाई टू मतलब साइन सी, ठीक है ना, साइन सी बनाइए, टू टाइम्स साइन सी, और इधर बन रहा है साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, इतना हुआ। अब साइन रूल के अकॉर्डिंग साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से साइन ए इक्वल टू आएगा ए इंटू के, अगर इन दोनों को लूँगा तो साइन ए इक्वल टू ए इंटू के या के ए प्लस के बी इक्वल टू टू टाइम्स के सी, के से के कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी इक्वल टू टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू टू सी। कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए है अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी, नहीं वो नहीं है, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। ओके, ऑप्शन देके समझ आ रहा है ना कि सारे साइड्स के फॉर्म में ही रखना है हमें। जैसे एक्सप्रेशन है ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस ए प्लस बी टाइम्स सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सी। ओके, यहाँ पे एंगल्स भी है, कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी भी है, यानी कि साइड्स भी है। अगर मैं एंगल्स को रिप्लेस कर दूँ, जैसे कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इनको हटा के इनको साइड्स के फॉर्म में बना दूँ ना, तो जो सिंप्लीफाई करने पे जो कुछ भी मिलेगा वो ऑप्शन में मैच होगा। मतलब इस पूरे को ना एंगल्स को हटा के साइड्स के फॉर्म में बनाने, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी है, तो देखने पे लग रहा है कि कोसाइन रूल अप्लाई करना चाहिए, लेकिन कोसाइन रूल जनरली अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला, न्यूमरेटर में तीन टर्म है, स्क्वायर भी है, तो सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो कभी कभी यहाँ पे प्रोजेक्शन रूल भी लगता है, जैसे इसमें मुझे क्लियरली प्रोजेक्शन रूल दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे ए बी स्क्वायर है और इधर बी ए स्क्वायर है, ठीक है। देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, ब्रैकेट हटाऊँ, तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर कॉस ए ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कॉस ए प्लस ए सी स्क्वायर कॉस ए प्लस बी सी स्क्वायर कॉस बी प्लस बी ए स्क्वायर कॉस बी प्लस सी ए स्क्वायर कॉस सी प्लस सी बी स्क्वायर कॉस सी। ओके, ए बी स्क्वायर कॉस ए फर्स्ट टर्म, और फिर बी ए स्क्वायर कॉस बी फोर्थ टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है, ए सी स्क्वायर कॉस ए, फिर सी ए स्क्वायर कॉस सी सेकेंड लास्ट, थर्ड टर्म बी सी स्क्वायर कॉस बी एंड लास्ट टर्म विच इज सी बी स्क्वायर कॉस सी, ऐसा बना। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से ए बी कॉमन ले सकते हैं,
ये भी अगर कॉमन आया तो बचा क्या, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, क्लियरली दिख रहा प्रोजेक्शन रूल। प्लस यहाँ से ए सी कॉमन लिया तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, यहाँ पे भी प्रोजेक्शन रूल और इधर भी प्रोजेक्शन रूल, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ठीक है। ए बी, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी इज एक्चुअली सी स्मॉल सी, प्लस ए सी, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी इज स्मॉल बी, प्लस बी सी, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी इज स्मॉल ए। सो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, थ्री टाइम्स ए बी सी, यस ऑप्शन ए करेक्टेड 28 में। क्वेश्चन नंबर 29, इन ट्राइंगल ए बी सी दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है ये एंगल्स के फॉर्म में, कैपिटल ए बी सी के फॉर्म में, और हमें स्मॉल ए बी सी के फॉर्म में फाइंड करना, यानी कि साइन रूल, कोसाइन रूल या प्रोजेक्शन रूल लगा के एंगल को साइड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन देख के ऐसे समझ आ रहा कि कोसाइन रूल लगेगा क्योंकि कोस 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 है, लेकिन डायरेक्टली लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोस ए नहीं है, कोस बी नहीं है, कोस सी नहीं है, ऐसा कुछ है, कोस ए माइनस बी, ए माइनस सी। सो यहाँ पे कोस ए माइनस बी को एक्सपेंड करेंगे तो हर एक टर्म में, देखो साथ में कोस सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर एक टर्म में तीन तीन कोसाइन रूल लगाने पड़ेंगे, जो कि अच्छा आइडिया नहीं है। मतलब कोस कोसाइन रूल में फॉर्मूला भी बहुत टफ है, न्यूमरेटर में तीन टर्म है स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, समझ रहे हो। तो कोसाइन रूल अप्लाई करना सही नहीं रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम साइन रूल अप्लाई करते हैं क्योंकि साइन रूल इजीली लगा सकते हैं, ओके। तो साइन रूल अप्लाई करने के लिए मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अपने पास एक्सप्रेशन है वन प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस सी, ठीक है। अच्छा कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी सी ट्राइंगल के एंगल है, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी, ओके। सो ये होगा कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस ए माइनस सी, जिस तरीके से c इक्वल टू पाई ए प्लस बी आया वैसे ही कॉस b इक्वल टू कॉस पाई माइनस ए प्लस सी, ओके। अच्छा कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, सो यहां से जो माइनस आएगा वो यहां तक आ जाएगा क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में, सो वन माइनस कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ओके। और डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस ए माइनस सी कॉस ए प्लस सी, अगेन यहाँ से भी माइनस बार आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, ओके। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और टू से डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ये टू कॉस ए कॉस बी जैसा फॉर्म बनेगा, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, ओके। वन माइनस वन माइनस, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, विच इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, राइट, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, अच्छा यार यहाँ पे ए एंड बी ऑलरेडी क्वेश्चन में लिया हुआ है तो कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, एक काम करते हैं यहाँ पे एक्स वाई ले लेते हैं क्योंकि ए बी ट्राइंगल के एंगल है, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टू कॉस एक्स कॉस वाई, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि ए बी ऑलरेडी हमने लिया है, यहाँ पे कुछ ए बी का मतलब कुछ और है, ऊपर ए बी का मतलब कुछ और है,
ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 - 1/2 तो बार, और 2 cos x, x की जगह a माइनस बी, वाई की जगह a प्लस बी, इधर राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, तो b से b कैंसिल हो जाएगा और 2b बनेगा, ये बनेगा cos, b से b कैंसिल हो जाएगा 2a बनेगा, cos 2a प्लस cos इधर x माइनस वाई, यानी कि a माइनस बी माइनस a माइनस बी, a से कैंसिल हुआ, सो माइनस बी कितना, माइनस टू बी, कॉस के अंदर माइनस टू बी, उसको सिंपली टू भी लिख सकता हूँ क्योंकि कॉस के अंदर माइनस होता है तो फर्क नहीं पड़ता है, सेम टू सेम डिनोमिनेटर में करने वाले, वन माइनस वन बाई टू बी की जगह सी, बस कॉस टू ए प्लस कॉस टू सी, ओके। अब कॉस टू ए कॉस टू बी, कॉस टू थीटा होता है 1 - 2 sin² θ, 1 - 1/2, 1 - 2 sin² a प्लस 1 - 2 sin² b, डिनोमिनेटर में 1 - 1/2, 1 - 2 sin² a प्लस 1 - 2 sin² c। ठीक है, इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 2, इधर भी 1 + 1 2, तो ये बनेगा 1 - 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2 एंड -2 sin² a - 2 sin² b, -2 sin² a - 2 sin² b, और डिनोमिनेटर में बस b की जगह c है, बाकी सब कुछ सेम, 1 - 1/2, 2 - 2 sin² a - 2 sin² c, ओके, यस, 2 न्यूमरेटर से कॉमन आया और इस 2 से कैंसिल हो गया, सो ये बने 1 - इधर 2 कॉमन आ गया तो 1 - इधर से 2 कॉमन आ गया तो sin² a, इधर से 2 कॉमन आ गया तो sin² b, डिनोमिनेटर में बस b की जगह c है, सो 1 - 1 - sin² a - sin² c, जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो 1 - 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब सब प्लस के हो जाएंगे, तो क्या बनेंगे, sin² a - sin² b अपॉन डिनोमिनेटर में sin² a - sin² c। ठीक है, अब साइन रूल के अकॉर्डिंग sin a / a = sin b / b = sin c / c = सपोज k, स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, sin² a / a² = sin² b / b² = sin² c / c² = सपोज ये k1 है तो ये k हो गया, कोई कांस्टेंट है, अभी k स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, सपोज दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है, सो साइन स्क्वायर क्या आएगा, k² a² राइट, sin² a = k² a² वैसे ही sin² b k² b² इस तरह से, इसमें पुट किया तो k² a² - k² b² / k² a² - k² c² k² कैंसिल हो जाएगा, a² - b² / a² - c², ये अपना फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, एक मिनट, यहाँ पे प्लस आएगा रे, माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज करेगा ना, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, ओके, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था और काफी स्टेप फॉलो किया, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 5π सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ओके, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की वैल्यू 0 से 5π में कितनी होगी, इक्वेशन है 3 sin² x - 7 sin x + 2 = 0, परफेक्ट फैक्टर बन रहे इसके, 3 sin² x, दिस इज -6 sin x - sin x + 2 = 0,
थ्री साइन एक्स कॉमन लिया तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस टू, माइनस कॉमन लिया तो साइन एक्स माइनस टू। सो एक फैक्टर आया है थ्री साइन एक्स माइनस वन और दूसरा साइन एक्स माइनस टू। सो साइन एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री एंड साइन एक्स इक्वल टू टू। साइन एक्स इक्वल टू टू पॉसिबल नहीं है, साइन एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री पॉसिबल है। अब एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, हमें तो बस ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे जब एक्स की वैल्यू जीरो टू फाइव पाई के बीच में लेंगे। तो साइन एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और साइन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब ये जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई एंड देन फाइव पाई, ठीक है कितने सर्किल है, दो कंप्लीट साइकिल है और एक हाफ मतलब 2.5 साइकिल है, तो वन बाई वन कंसिडर करते हैं, सबको एक साथ नहीं लिख रहा हूँ। ओके साइन एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, फर्स्ट जब साइकिल चल रहा होगा उस टाइम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके सपोज ये वैल्यू एक्स इक्वल टू अल्फा पे साइन की वैल्यू 1 बाई थ्री आ रही है, सपोज एक्स इक्वल टू है अल्फा, तो दूसरी वैल्यू आएगी पाई माइनस अल्फा पे सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा। फिर एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद यानी कि 2 पाई कंप्लीट होने के बाद वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक और वैल्यू आएगी यानी कि 2 पाई प्लस अल्फा, और यहाँ तक आता है 3 पाई, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट भी होगा तो 3 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू नहीं, 4 पाई दो रोटेशन कंप्लीट हो गया 4 पाई हो गया, फिर अगेन 4 पाई प्लस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड ये होगा 5 पाई, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 5 पाई माइनस अल्फा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई नहीं, तो यहाँ पे 3 साइकिल्स कंप्लीट होगी 1 2 3, तो 3 कंप्लीट हुआ मतलब 6 पाई तक आ गए। अब इससे आगे 6 पाई प्लस अल्फा हो सकता है लेकिन हमें 0 टू 5 पाई तक ही देखना है। सो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सॉल्यूशन पॉसिबल है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, इफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज, ओके 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/2। ओके ये तो परफेक्ट फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का, 1/2 को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई थ्री, राइट। अब अगर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा है तो एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सो यहाँ पे एक्स की जगह अपने क्वेश्चन में 2 थीटा है, तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पाई बाई थ्री, इसका मतलब थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, 2 से डिवाइड किया राइट हैंड साइड को। यस ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें थीटा के लिए ही जनरल वैल्यू फाइंड करनी थी, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 इज, ओके साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। थीटा की जनरल वैल्यू फाइंड करना मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। ओके साइन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर बीच वाले को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा अगर कॉमन लिया तो साइन थीटा प्लस 2, माइनस कॉमन लिया तो साइन थीटा प्लस 2, दो फैक्टर बन रहे साइन थीटा माइनस 1 एंड साइन थीटा प्लस 2। साइन थीटा प्लस 2 को तो 0 में भेज सकते हैं क्योंकि ये कभी नेगेटिव ये कभी 0 नहीं होगा, साइन थीटा प्लस 2 यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला बिकॉज साइन की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में होती है, तो साइन थीटा प्लस 2 कभी 0 हो नहीं सकता मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। सो मिला क्या, साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 यानी कि साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2, इसका मतलब थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन अल्फा, अल्फा यानी कि पाई बाई 2 वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सॉल्यूशन कौन सा, ऑप्शन ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 33, द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एंड टेन थीटा इक्वल टू 1/√3. साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एंड टेन थीटा इक्वल टू 1/√3. थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी? देखो, टेन साइन नेगेटिव है, टेन पॉजिटिव है, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है. थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब ऐसी कंडीशन पॉसिबल है. सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए पाई प्लस, और साइन 1/2 का होता पाई बाई 6 पे, सो पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कि ये बन रहा है साइन थीटा इक्वल टू साइन 7π/6. साइन थीटा इक्वल टू साइन 7π/6. अब ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल फॉर्मूला होता है तो उसमें दोनों क्वाड्रेंट काउंट हो जाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट, लेकिन हमें सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट देखना है. तो उसके लिए डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ n π + π/6, तो जब n की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पे आ रहा π/6, नहीं π/6 नहीं ना, π/6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, हमें थर्ड क्वाड्रेंट का चाहिए, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया. फिर है 2n π + -π/6, नहीं ना, प्लस माइनस कहाँ, प्लस माइनस तो कॉन्जिगेटिव क्वाड्रेंट के लिए होता है, मतलब ये एक्चुअल में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, नहीं अपने को थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए. सी में 2n π + 7π/6, यस सी ऑप्शन करेक्ट है. देखो 2n π कहाँ होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यस पाई का इवन मल्टीपल, पाई 2π 4π 6π, ठीक है वो एक्स एक्सिस पे. उसमें अगर 7π/6, 7π/6 बोले तो पाई प्लस पाई बाई 6 अगर ऐड करूँगा तो ये हो गया पाई और पाई बाई 6, तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना. यस ऑप्शन सी करेक्ट है. आई होप आपको ये समझा होगा अच्छे से. 2n π पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है बिकॉज ये पाई का इवन मल्टीपल है, इधर 2π 4π 6π, यहीं पे आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में. अब उसमें मैं 7π/6 ऐड कर रहा हूँ, मतलब पाई प्लस पाई बाई 6 ऐड कर रहा हूँ, तो आ गया ना थर्ड क्वाड्रेंट में, 7π/6 पे आ गए. ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 34, इन ट्राइंगल ABC ए इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस डी इज इक्वल टू, ओके ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, प्रोजेक्शन रूल जैसा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस है इसलिए प्रोजेक्शन रूल नहीं लगाएंगे. अब ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि इनको साइड्स में कन्वर्ट करना, मतलब स्मॉल ABC में, तो एक काम करते हैं कोसी को रिप्लेस करते हैं कोसाइन रूल से, ए बी मल्टीप्लाई है साथ, बी मल्टीप्लाई हो रहा है कोस सी के, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB, ठीक है, माइनस सी इंटू कॉस बी, कॉस बी बोले तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC. अच्छा ए अंदर जब मल्टीप्लाई होगा, बी से बी तो कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली, सी से सी कैंसिल हो रहा है, 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ 1/2 को. जब ए अंदर मल्टीप्लाई होगा ना ये वाला, तो इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, और ये ए इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, समझे बात को. अंदर बचा क्या फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ बार माइनस है इसलिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक. अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2B² माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2C², सो बार तो है 1/2, अंदर है 2B² माइनस 2C², सिंप्लीफाई करने पे बनने वाला है B² माइनस C², यस ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, ओके. क्वेश्चन नंबर 35, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज, ओके साइन इनवर्स साइन 2π/3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है. ओके साइन इनवर्स को साइन से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते थे अगर ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती तो, बिकॉज हमें पता है साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होता है, लेकिन 2π/3 -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है. ओके तो -π/2 से π/2 के बीच में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 2π/3, राइट, पाई माइनस 2π/3, तो ये बना साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/3 इज π/3,
ओके okay, हमें पता है ना यार साइन 2π/3 और साइन पाई बाई थ्री का सेम ही वैल्यू होता है, √3/2, √3/2। तो साइन 2π/3 को साइन पाई बाई थ्री नहीं लिख सकते क्या? यस लिख सकते हैं। जैसे ये से लिखा ना, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या? पाई बाई थ्री। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है। ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा। हाँ नन ऑफ दीज पॉसिबल है, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या? नहीं ना, ए बी सी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। ये -2π/3, ये 4π/3, मतलब पाई से भी बाहर जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यस ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36। इफ कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 थीटा फ्रॉम 0° टू 360°, देन द वैल्यूज ऑफ थीटा आर। ओके कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। कॉस नेगेटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो थीटा इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम पाई माइनस करेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस करेंगे। पाई माइनस कितना? कॉस 1/2 कब होता है? पाई बाई सिक्स पे? नहीं, पाई बाई थ्री पे। पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। पाई माइनस पाई बाई थ्री इज 2π/3। पाई प्लस पाई बाई थ्री इज 4π/3। ये आंसर है। अच्छा डिग्री में चाहिए क्या? ओके तो 180 माइनस 60 कितना हुआ? 120°। और ये 180 प्लस 60 240। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37। साइन इनवर्स 2a/(1+a²) माइनस कॉस इनवर्स 1-b²/(1+b²) इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x/(1-x²), देन व्हाट इज एक्स? ओके ओके एक्स का वैल्यू फाइंड करना ए एंड बी के फॉर्म में। तो उसके लिए हमें ये इनवर्स इनवर्स को हटाना पड़ेगा, और ये कब हटेंगे? जब इनको 10 के फॉर्म 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। यस 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तब 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो 10 इनवर्स से 10 इनवर्स चला जाएगा। लॉजिक साफ है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। सो साइन इनवर्स 2a/(1+a²) को 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं ए की जगह 10 थीटा पुट कर रहा हूँ। ए की जगह 10 थीटा, बिकॉज क्लियरली ये दिख रहा है ना, 2 tan θ / 1 + tan²θ, एक फॉर्मूला बनेगा, परफेक्ट फॉर्मूला। और बी की जगह 10 φ पुट कर रहा हूँ, उधर भी एक फॉर्मूला बनेगा cos²θ का, ठीक है। सो ये बन रहा है साइन इनवर्स 2 tan θ / 1 + tan²θ। ओके ए की जगह 10 θ पुट किया, माइनस कॉस इनवर्स 1-tan²φ/(1+tan²φ) इज इक्वल टू 10 inverse 2x/(1-x²). ये बना साइन 2θ। साइन इनवर्स से साइन गया तो सिर्फ 2θ बचा है, माइनस ये बना कॉस 2θ। कॉस इनवर्स से कॉस 2φ, कॉस इनवर्स से कॉस गया तो 2φ बचा, इक्वल टू 10 inverse 2x/(1-x²). ओके अगर हम चाहें तो यहाँ पे x की जगह भी कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जगह सपोज मैं 10α पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी इस 10 को भी हटा देते हैं। मतलब दूसरा तरीका तो ये है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 inverse का फॉर्म बनाओ, तो 10 इनवर्स से 10 इनवर्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। या फिर दूसरे तरीके यार, लेफ्ट हैंड साइड से 10 हटाओ, राइट हैंड साइड से भी 10 हटा दो, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। ओके तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह 10α पुट कर रहा हूँ। सो ये बनेगा 10 इनवर्स x की जगह 10α, तो 2 tan α/(1-tan²α). ये इजी मेथड है वो दूसरे वाले से। 2 tan α/(1-tan²α) इज 10 2α। 10 इनवर्स से 10 गया तो 2α बचा। अब 2 से 2 भी चले गए, लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन आया और राइट हैंड साइड से कैंसिल हो गया, तो θ-φ = α ऐसा बना। ओके अब अगर थीटा की वैल्यू यहाँ से वापस से पुट करें,
थीटा की वैल्यू वापस से पुट करें या फिर हम दोनों साइड 10 ले सकते हैं, 10 थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 10 अल्फा, बिकॉज हमें ए बी में रिलेशन फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू ए बी के फॉर्म में फाइंड करनी है, इसका मतलब 10 थीटा एंड 10 फाई का वापस से यूज होना चाहिए, इसलिए दोनों साइड 10 लिया है। अब 10 ए माइनस बी होता है 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ। सो ये बनेगा 10 थीटा माइनस 10 फाई अपॉन 1 प्लस 10 थीटा 10 फाई इज इक्वल टू 10 अल्फा, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। 10 अल्फा की जगह x पुट कर सकते हैं, सो राइट हैंड साइड में तो आ गया x, और लेफ्ट हैंड साइड में 10 थीटा की जगह a, 10 फाई की जगह b, सो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, डायरेक्ट आंसर a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ स्मॉल ए बी सी आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू साइन बी बाई टू इज इक्वल टू, ओके ट्राइंगल की साइड ए पी में, तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। हाफ एंगल है तो हाफ एंगल फॉर्मूले से कर सकते हैं, बिकॉज हाफ एंगल का जो फॉर्मूला आएगा वो साइड्स के फॉर्म आएगा, अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी अपॉन ए बी, इस तरह का, तो वो साइड के फॉर्म है, और साइड ए बी सी ए पी में है तो इसका रिलेशन वहाँ से यूज़ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू, साइन ए बाई टू इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, राइट, एंड साइन सी बाई टू इज एस माइनस बी अपॉन ए बी, वो भी रूट के अंदर, तो होल रूट ले लेता हूँ बिकॉज दोनों मल्टीप्लाई में, सो ये आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। डिनोमिनेटर में साइन बी बाई टू यानी कि एस माइनस सी अपॉन एस सी, अच्छा ये भी रूट के अंदर है, एक काम करते हैं ना, तो पूरा होल रूट लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का, बिकॉज डिनोमिनेटर में भी रूट है न्यूमरेटर में भी रूट है, ऐसा ले सकता हूँ ना, यस ऑब्वियसली ले सकते हैं, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, ऐसा लेने का फ़ायदा ये हुआ कि जो कैंसिल आउट हो रहा है ना वो डायरेक्टली दिखेगा हमें, जैसे यहाँ पे s माइनस ए एस माइनस सी कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ना s माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस सी, और यहाँ से ए सी एस सी, बचा क्या है न्यूमरेटर में, बचा है s माइनस बी एस माइनस बी, तो ये हो जाएगा s माइनस बी होल स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो s माइनस बी, और डिनोमिनेटर में b इंटू बी, बी इंटू बी रूट से बाहर आएगा तो b, मतलब फाइनली ये सिर्फ इतना बचा है एस माइनस बी अपॉन बी, एस होता क्या है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, माइनस बी एज इट इज अपॉन बी एज इट इज, सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर को, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी अपॉन टू इंटू बी, ठीक, सो ये बन रहा ए प्लस सी माइनस बी अपॉन टू बी। अच्छा क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी ए पी में, ए बी सी ए पी में इसका मतलब टू टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए प्लस सी की जगह टू बी पुट किया तो टू बी माइनस बी अपॉन टू बी, यानी कि बी अपॉन टू बी मतलब वन बाई टू, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू फाइव बाई टू देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज, ओके कॉस थीटा प्लस सेक थीटा यानी कि वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइव बाई टू, सो कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कॉस, जो अपॉन कॉस है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, अच्छा एक बार ऐसे लिखते हैं होल अपॉन कॉस इक्वल टू फाइव बाई टू, ओके टू लेफ्ट हैंड साइड में और कॉस राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू इक्वल टू फाइव कॉस थीटा, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव कॉस थीटा प्लस टू इक्वल टू जीरो। कॉस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परफेक्ट, इसके फैक्टर भी बनने वाले हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव को कैसे ब्रेक करें, माइनस फाइव को माइनस फोर माइनस वन में, यानी कि माइनस फोर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, टू कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये बनेगा टू, नहीं टू तो कॉमन आ गया, इधर बचा सिर्फ कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा कॉमन तो माइनस टू, माइनस कॉमन लिया तो कॉस थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है
टू कॉस थीटा माइनस वन, एक ये फैक्टर है, दूसरा है कॉस थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो। अच्छा इसको जीरो में भेज सकते हैं बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं, आई मीन पॉसिबल का मतलब ये कभी जीरो होगा ही नहीं, यहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो टू कॉस थीटा इक्वल टू वन, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई टू, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई थ्री, तो थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन के लिए हमें ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बनेगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स जेड को राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ तो ये बनेगा वन माइनस कॉस इनवर्स जेड, ठीक है। अब कॉस इनवर्स राइट हैंड साइड गया तो कॉस बनेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बचेगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, लेफ्ट हैंड साइड इज इट इज एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे कॉस इनवर्स जेड, कॉस से कॉस इनवर्स गया तो इधर जेड बचा, लेफ्ट हैंड साइड अगेन इज इट इज एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। अब जेड जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा एक्स वाई प्लस जेड प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ये। एक काम करते हैं फिर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको सोल्व करना पड़ेगा ना तो ये लास्ट स्टेप नहीं लिखेंगे, फिर एक काम करते हैं स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा ऐसा नहीं। एक्स वाई माइनस जेड लेफ्ट हैंड साइड में आया तो प्लस जेड, और ये पूरा राइट हैंड साइड में गया तो माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर किया तो इधर होगा एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ओके एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में होगा क्या होगा, रूट हट जाएगा बस और क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स वाई जेड इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो माइनस का है लेफ्ट हैंड साइड में आया तो प्लस का, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इधर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल टू वन, ये अपना फाइनल आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, साइन ऑफ थ्री टाइम्स साइन इनवर्स वन बाई फाइव इज इक्वल टू, ओके बाहर ट्रिगोनोमेट्री है अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, कैंसिल कर सकते हैं लेकिन ये बीच में थ्री है, अगर थ्री नहीं होता ना तो इस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता, पर इस थ्री को हम रिमूव कर सकते हैं फॉर्मूले से, थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब ऐसा होता है, सो साइन ऑफ थ्री टाइम्स साइन इनवर्स वन बाई फाइव दिस इज इक्वल टू बार वाला साइन तो एज इट इज अंदर थ्री साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह वन बाई फाइव इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो साइन इनवर्स थ्री इंटू वन बाई फाइव माइनस फोर वन बाई फाइव क्यूब, ठीक है। अच्छा साइन से साइन इनवर्स गया, अभी साइन लिखने की जरूरत नहीं,
तो ये बना 3/5 माइनस 4/5³ यानी कि 125। सो 25 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगर 25 से मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड किया तो 75/125 माइनस 4/125 यानी कि ये बन रहा 71/125। है क्या कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। इवेल्युएट 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू 10 इनवर्स 2 cos x, यानी कि x की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो एक बेस्ट अप्रोच तो ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन की वैल्यू पुट करके देखो कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, वो नहीं बता रहा हूँ। अब दूसरा मेथड क्या है, प्रॉपर मेथड की एग्जैक्ट x की क्या वैल्यू है। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू 10 इनवर्स 2 cos x। अच्छा, 2 tan इनवर्स x का वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 2x/1 - x². सो x की जगह यहाँ पे cos x है, तो ये बनेगा 2 cos x बाय 10 इनवर्स रहेगा ही 10 इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 - cos²x इक्वल टू 10 इनवर्स 2 cos x। 10 इनवर्स से 10 इनवर्स गया तो इधर बचा 2 cos x अपॉन 1 - cos² इज sin²x इक्वल टू 10 इनवर्स से 10 इनवर्स गया तो 2 अपॉन cos x को 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin x। यस, अच्छा एक साइन से साइन गया, जीरो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, वैसे x इक्वल टू जीरो पे ये डिफाइन भी नहीं है cos x, तो जीरो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। साइन से साइन गया, एक साइन बचा है। अच्छा, 2 से 2 भी गया तो ये बनेगा cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1 यानी कि cot x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू π/4। यस, x इक्वल टू π/4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43। इफ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z इक्वल टू पाई देन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, ओके, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z इक्वल टू पाई, तो इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस 10 इनवर्स z। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, राइट हैंड साइड इज इट इज पाई माइनस 10 इनवर्स जेड। ठीक है, 10 राइट हैंड साइड में गया, 10 इनवर्स राइट हैंड साइड में गया तो 10 बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा x प्लस वाई अपॉन 1 - xy और राइट हैंड साइड में होगा 10 ऑफ पाई माइनस 10 इनवर्स जेड x प्लस वाई अपॉन 1 - xy इज इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा, सो माइनस 10 थीटा की जगह 10 इनवर्स जेड है। 10 से 10 इनवर्स गया तो सिर्फ z बचा, मतलब राइट हैंड साइड में हुआ माइनस z यानी कि x प्लस वाई अपॉन 1 - xy और राइट हैंड साइड में माइनस z। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस z इंटू 1 - xy, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस z प्लस xyz, z लेफ्ट हैंड साइड में आया तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू xyz, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, ओके, एक्सप्रेशन है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/√13। इसका वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, बार 10 है, अंदर अगर 10 इनवर्स मिलेगा ना तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और जो भी वैल्यू आएगी वो ऑप्शन में मैच होगी, लेकिन 10 इनवर्स नहीं, अंदर साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, तो इनको 10 इनवर्स बनाते हैं ताकि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के 10 को 10 इनवर्स से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे, जैसे साइन इनवर्स 3/5, इसको मैं थीटा कंसिडर कर लेता हूँ, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब 10 में कन्वर्ट करने के लिए कॉस भी चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू √1 - sin²थीटा यानी कि √1 - sin² यानी कि 9/25, तो ये बनेगा 16/25 का रूट यानी कि 4/5, मतलब थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, अरे नहीं,
कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 आया ना, अब हमें टेन चाहिए, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रहा साइन थीटा और ये रहा कॉस थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में 5, इसके डिनोमिनेटर में 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3/4 बनेगा, सो थीटा इक्वल टू यहाँ से टेन इनवर्स 3/4, ठीक है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 की जगह लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4, सो टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 की जगह टेन इनवर्स 3/4 प्लस, अच्छा इसको भी देखते हैं, कॉस इनवर्स 3/√13, इसको अगर हम थीटा कंसिडर करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/√13, सो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोले तो 9/13, 13 - 9 इज 4, 4/13 का रूट मतलब 2/√13, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 2/√13, ये यहाँ पे साइन और इधर कॉस, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना, इधर भी अंडर रूट 13, इधर भी अंडर रूट 13, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 2/3 बनेगा, आप देख सकते हो क्लियरली थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3, ये भी थीटा, ये भी थीटा, इसका मतलब कॉस इनवर्स 3/√13 इज 10 इनवर्स 2/3, 10 इनवर्स 2/3, ठीक है, ओके। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सो ये बनेगा टेन तो बार एज इट इज, अंदर बन रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 - xy, यानी कि 3/4 इंटू 2/3, टेन इनवर्स से टेन गया, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर है कि नहीं। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 × 3 = 4 × 2, कितना हो रहा 9 + 8, डायरेक्टली लिखूँ क्या, 9 + 8 17 by 12 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 6/12, 12 - 6 = 6, 6/12, ओके 6/12, 12 से 12 कैंसिल हो गया तो 17/6 फाइनल आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10 थीटा 10 टू थीटा इक्वल टू 1 इज गिवन बाय, ओके 10 थीटा इंटू 10 टू थीटा इज इक्वल टू 1, 10 थीटा इंटू 10 टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan²θ इज इक्वल टू 1, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 थीटा × 2 tan थीटा इज 2 tan²θ, सो न्यूमरेटर में 2 tan²θ और जो डिनोमिनेटर वो राइट हैंड साइड में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक और 10² थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा 3 tan²θ इज इक्वल टू 1, मतलब 10² थीटा इज इक्वल टू 1/3, अच्छा 10² थीटा इज इक्वल टू 1/3 को लिख सकता हूँ 1/√3 का स्क्वायर, ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये बनेगा 10² थीटा इक्वल टू 10² π/6, राइट, और हमें पहले से ही पता है 10² x इज इक्वल टू, अगर 10² α है तो x इक्वल टू n π ± α होता है, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, सो दिस इज थीटा इक्वल टू n π ± π/6, n π ± π/6, ऑप्शन सी 45 में, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, sec इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स y, ओके sec इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स y क्वेश्चन में गिवन है, देन cos इनवर्स 1/x प्लस cos इनवर्स 1/y इज इक्वल टू, अच्छा cos इनवर्स के फॉर्म में चाहिए, तो sec इनवर्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, cosec इनवर्स y इज साइन इनवर्स 1/y, ठीक है, और हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, π/2 - cos इनवर्स x, यानी कि राइट हैंड साइड में जो साइन इनवर्स 1/y है, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज, राइट हैंड साइड को लिख सकते हैं π/2 - cos इनवर्स 1/y,
अब ये माइनस कॉस इनवर्स वन बाई वाई लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि कॉस इनवर्स वन बाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स वन बाई वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज, ओके इसका वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अच्छा ऑप्शन में पाई बाई फोर पाई बाई थ्री पाई बाई टू ऐसा आ रहा है, मतलब एक्स वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रही है इसकी वैल्यू, तो एक काम करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो ये होगा टेन इनवर्स जीरो बाई वाई यानी कि टेन इनवर्स जीरो माइनस टेन इनवर्स जीरो माइनस वाई अपॉन जीरो प्लस वाई। टेन इनवर्स जीरो इज जीरो, सो माइनस टेन इनवर्स इधर है माइनस वाई अपॉन वाई, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस बार आ जाएगा तो ये बनेगा टेन इनवर्स वाई अपॉन वाई यानी कि टेन इनवर्स वन मतलब पाई बाई फोर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, इन ट्राइंगल ए बी सी एस इंटू एस माइनस सी इंटू टेन सी बाई टू इज इक्वल टू, ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्म में इसका आंसर करना है, ठीक है। एस एस माइनस सी इंटू टेन सी बाई टू हाफ एंगल, एस एस माइनस सी एज इट इज, टेन सी बाई टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टेन सी बाई टू इज एक्चुअली साइन सी बाई टू अपॉन कॉस सी बाई टू, साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू के फॉर्मूले पता है तो उससे टेन सी बाई टू का फॉर्मूला बना सकते हैं, एस माइनस बी एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है ओके। सो बार एस एस माइनस सी ए, डिनोमिनेटर में अंडर रूट एस एस माइनस सी है तो न्यूमरेटर में बनेगा अंडर रूट एस एस माइनस सी, डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा और इधर इसका न्यूमरेटर एस माइनस बी एस माइनस ए, सो इधर भी रूट इधर भी रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐसे होल रूट लगा सकता हूँ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। और ये हीरोस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, बी नहीं सी। क्वेश्चन नंबर 49, इफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी इन ए पी देन द रेशियो विल बी, यानी कि ट्राइंगल की साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स अगर ए पी में है तो साइड्स का रेशियो क्या है। हमने सिक्वेंस एंड सीरीज में सीखा है कि अगर तीन नंबर को जो ए पी में है अगर तीन नंबर हमें कंसिडर करना होता तो हम a माइनस डी ए ए प्लस डी कंसिडर करते हैं। सो मैं मान लेता हूँ कि ट्राइंगल की साइड्स a माइनस डी ए एंड ए प्लस डी है और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है सो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर एक्चुअली a प्लस डी होल स्क्वायर है क्योंकि जो लार्जेस्ट साइड है वो ए प्लस डी है मतलब ये हाइपोटेनियस है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी होल स्क्वायर ऐसा रहेगा, यस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी, ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस टू ए डी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो फोर ए डी इक्वल टू ए स्क्वायर, एक ऐसे एक ए कैंसिल हो सकता है तो इधर बनेगा 4d इक्वल टू ए मतलब d इक्वल टू ए बाई फोर, ठीक है। यहाँ से हमें d का वैल्यू मिला मतलब a के फॉर्म में साइड्स मिल गई है a माइनस डी ए एंड a प्लस डी यानी कि साइड्स क्या है 3a बाई फोर a 5a बाई फोर, फोर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये काम करते हैं ए से पहले डिवाइड करते हैं थ्री बाई फोर वन फाइव बाई फोर, फोर से मल्टीप्लाई किया थ्री फोर फाइव यानी कि साइड्स का रेशियो है थ्री इज टू फोर इज टू फाइव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक थ्री एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई रूट थ्री, ओके कोसेक थ्री एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई रूट थ्री यानी कि साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू, ओके सो इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थ्री एक्स इक्वल टू
अच्छा साइन नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे, जो अल्फा आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट का आएगा, ठीक है। वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है, लेकिन लेस कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट वाला है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल अल्फा होगा, और वो कितना होगा साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस कितना, पाई बाई थ्री, बिकॉज पाई साइन पाई बाई थ्री का वैल्यू अंडर रूट थ्री बाई टू होता है। ओके, सो साइन थ्री एक्स इक्वल टू साइन फोर पाई बाई थ्री, और साइन एक्स इक्वल टू, अगर साइन अल्फा है तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा। ओके, साइन एक्स इक्वल टू, अगर साइन अल्फा है तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सो ये होगा थ्री एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन फोर पाई बाई थ्री, यानी कि x इक्वल टू एन पाई अपॉन थ्री प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू फोर पाई बाई नाइन, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। कौन सा ऑप्शन, एन पाई बाई थ्री माइनस वन रेस टू एन फोर पाई बाई नाइन, ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, असाइनमेंट कंप्लीट।